दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है रिप्लेसमेंट विंडो को लेकर। इसके बाद आरसीबी का खतरनाक प्लेइंग 11, अंतिम ट्रेड विंडो, चेन्नई सुपर किंग्स और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल स्टार्ट होने से पहले बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में नहीं खेलेंगे और इसके साथ ही आईपीएल के कुछ मैचों के लिए डाउटफुल है, यानी कि हो सकता है कि शुरुआती मैचों में वो केकेआर टीम को अपना सेवा ना दे पाए। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है आईपीएल को लेकर। तो आईपीएल के ऊपर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने बताया कि 21 मई तक पता चल जाएगा कि कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल में जाएगी। तो जो छह टीमें बच जाएंगी उनमें जितने भी इंडियन प्लेयर्स डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने लायक होंगे उन सभी प्लेयर्स को इंग्लैंड भेज दिया जाएगा, यानी कि रोहित शर्मा डब्ल्यूटीसी फाइनल के ऊपर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। तो चेन्नई के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने बताया कि आईपीएल 2023 में रविंद्र जडेजा चेन्नई की टीम के लिए एक्स फैक्टर प्लेयर साबित होंगे, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के अकॉर्डिंग जडेजा आईपीएल 2023 में चेन्नई के लिए खतरनाक भूमिका निभाएंगे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर। तो आरसीबी टीम की तरफ से ओपन करेंगे कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली। इसके बाद तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार, मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, पांचवे नंबर पर महिपाल लोमरोर, छठवे नंबर पर दिनेश कार्तिक, सातवे नंबर पर वनिंदु हसरंगा, इसके बाद आठवें नंबर पर शहबाज अहमद, नौवे नंबर पर हर्षल पटेल, दसवें नंबर पर जॉस हेजलवुड और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज। तो आरसीबी का प्लेइंग 11 इसी प्रकार से होगा। आपके हिसाब से आरसीबी का प्लेइंग 11 कैसा है कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सी टीम का प्लेइंग 11 देखना चाहेंगे। जिस टीम के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उसका प्लेइंग 11 अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है विराट कोहली की तरफ से। तो विराट कोहली जल्द ही आईपीएल के प्रोमो में नजर आएंगे, जहां पर आईपीएल के प्रोमो में अभी तक एमएस धोनी, केएल राहुल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या नजर आए थे, लेकिन अब किंग कोहली भी आईपीएल के प्रोमो में नजर आएंगे। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के फाइनल ट्रेड विंडो को लेकर। तो आईपीएल के अंतिम ट्रेड विंडो में हो सकता है कि एक से दो बड़े खिलाड़ी ट्रेड हो जाए, क्योंकि कुछ आईपीएल टीमें अपने चोटिल प्लेयर्स के स्थान पर ट्रेड विंडो में कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड करना चाहेगी, क्योंकि चोट लगने के बाद कुछ टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के रिप्लेसमेंट विंडो को लेकर। तो आईपीएल का रिप्लेसमेंट विंडो स्टार्ट हो गया, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट के खत्म होते ही अब वन बाय वन सभी टीमें रिप्लेसमेंट प्लेयर की लिस्ट जारी करेगी। तो कुछ इंजर्ड प्लेयर्स के बारे में बात करें तो नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, इसके बाद झाई रिचर्डसन, ऋषभ पंत, सरफराज खान, एनरिक नौरखिया, जॉनी बेरेस्टो, विल जैक्स, प्रसिद्ध कृष्णा और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी आईपीएल शुरू होने से पहले पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो जितने भी खिलाड़ी है उनकी रेस्पेक्टिव टीम में इनको लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है और इनकी रेस्पेक्टिव टीम में जल्द ही इनका ऑफिशियल रिप्लेसमेंट रिवील कर देगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2023 के लिए अपना प्रैक्टिस कैंप 20 मार्च से स्टार्ट करेगी, यानी कि 20 मार्च से हैदराबाद का प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट हो जाएगा।
जाएगा और हैदराबाद की टीम ने अपने पहले दो मैच के लिए टिकट का सेलिंग भी स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट की 9वीं बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। तो चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चहर, MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ एक एड शूट में नजर आ रहे थे, जिसका फोटो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो ये तीनों सुपरस्टार खिलाड़ी चेन्नई की नई जर्सी में एड शूटिंग कर रहे थे। वहीं इस लिस्ट की 10वीं अंतिम अपडेट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मैच को लेकर। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद 17 मार्च को पहला वनडे होगा, जो कि मुंबई में दोपहर 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। हालांकि इस मैच में कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे और रोहित शर्मा इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरे वनडे से ही रोहित अपना अवेलेबिलिटी दे पाएंगे। तो ये था IPL से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।